आदाब, इस बैठक में एक बार फिर खुश आमदेद। वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं जल्दी में बातें करना चाहूँगा। सवाल ज़रूरी हैं और मेरे मेहमान जो हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका वक्त निकाल के वहाँ तशरीफ़ लेके आएँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, आपका ताल्लुक ISI से रहा, MI से रहा, सितारा जुर्रत, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा बसालत, सोर्ड ऑफ ऑनर, नॉर्मन मेडल, हाईली डेकोरेटेड। हमीद गुल साहब, ये तमाम खिदमत आपने पाकिस्तान की, आपको इजाज़ात मिले और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर फौजी उसकी पाकिस्तान की खिदमत करता है, जान देता है, लेकिन हमारे यहाँ माजी करीब में एक ऐसी लहर उठी कि पाकिस्तान आर्मी पे खुला हमला शुरू हुआ और अवाम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी सवाल करता हूँ पाकिस्तान आर्मी से कि भाई ये सब क्या हो रहा है। मैं इकट्ठी आपका दो चार सवाल रखना चाह रहा हूँ। ये इल्ज़ाम है फ़ौज के ऊपर कि पाकिस्तान के बनते ही साथ आर्मी ने मेडल करना शुरू कर दिया, हुकूमत लेते रहे बार बार, जमहूरियत को पनपने, जो रिवायती जुमले में जमहूरियत को पनपने लगी, ए जी फौज ने बेड़ा गर्क कर दिया, ज़ियाउल्लाह साहब तबाही में चाह गए, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कबाड़ा कर, ये तमाम इल्ज़ाम फ़ौज के ऊपर हैं। मेरा सवाल ये है, दो तीन, एक तो ये कि क्या फ़ौज ने वाकई कबाड़ा किया, दूसरा क्या फ़ौज लालच में हुकूमत में आई या उसको मौका फराहम किया गया, और इस वक्त जो फ़ौज की बदनामी है क्या वो जायज़ है कि नाजायज़ है? देखें, मेरा ख्याल है कि अयूब खान साहब ने तो प्लान किया था, हर जगह ना डिफर, हर केस जो है फौज को आप इदारे को लिताड़ दें सारे। पहली बात समझ लें कि फ़ौज एक आदमी की होती है, उसके पास इतनी, आपके आर्मी चीफ के पास इतनी पावर्स होती हैं कि आप वो जो चाहे वो करता है उसको, और ये ज़रूरी भी है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये उसको बैटल फील्ड में, अगर आप हालत जंग में हैं तो ये पावर्स उनके पास होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान परपेचुअली हमेशा ही हालत जंग में रहा है, तो इसलिए उसके पास पावर किसी ने ये सोचा नहीं या मौका नहीं मिला कि वॉर टाइम पावर्स और होनी चाहिए और जो पीस टाइम पावर्स हैं वो और हों, लेकिन ये अभी इस वक्त बात नहीं, बिकॉज हम इस वक्त बिल्कुल हालत जंग में हैं जी, हमारे खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, वो इनविजिबल वॉर है और ये बड़ी ही डेंजरस और बहुत खौफनाक वॉर है। अगर खुली जंग हो और आपका मेहरान बेस के ऊपर हमला हो जाए और इसमें बहुत से मकान भी और लोग भी ज़ाया हो जाए, तो आप कहें भाई इंडिया ने अटैक किया, ठीक है, अभी अटैक तो हमारे दुश्मनों ने किया है जिस फॉर्म्स में भी किया है, लेकिन उसकी जो मैथडोलॉजी है, जो उसका तरीक़ाकार है, वो ज़रा मुख्तलिफ रहा। तो पाकिस्तान हमेशा से ही हालत जंग में है, इसीलिए ISI को इम्पोर्टेंस मिली कि ISI जो है वो फ्रंट लाइन है, सबसे पहले हमेशा हमा वक्त हालत जंग में रहती है, आपके एनिमीज़ को वो रोकती है, दूर करती है, उन पर कभी कभी अटैक भी कर देती है, और अंदर से वो जो आपका जो एनिमी जो तकरीबकारी करता है, यानी ये पट रही हो, उनको वो कर रही है, यानी सिक्योरिटी ऑफ मैन, मॉरल एंड मटीरियल, तीनों को वो इस वक्त वो देखती रहती है कि आपके कहीं ऐसा ना हो कि आपके जहन बदल दिए जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली मीडिया का जो ऑन स्लॉट है, जो इस वक्त दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया का, उसमें हमारा मीडिया जो एक छोटा सा एक किरदार अदा करता है, वो बहुत ज़्यादा अब इनके ऊपर पड़ गया हुआ है, क्योंकि उनको ये समझ आ गई है कि अगर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान को अगर कोई दिखा सकता है, एक तो ISI ने इसकी परफॉर्मेंस, जिसको हम कहते हैं कि ए रोशनी तबा तो बर मन बला शुदी, यानी मेरी जो एबिलिटी है वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन गई है, तो क्योंकि ISI को उन्होंने पहचान लिया, परख लिया और इसको साइज किया, तो ये केम आउट। आज भी वो खुद कहते हैं कि दुनिया की जो 10 टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसमें नंबर वन पे ISI है परफॉर्मेंस के लिहाज, ठीक है, वरना CIA को तो वो चक्कर दे जाता है, एक जो शॉपकीपर ऑफ क्वेटा जो है वो मुल्ला उमर का रिप्रेजेंटेटिव बन के $500,000 खींच के ले आता है उसे। तो ये बात है कि फेलियर्स भी होते हैं, गलतियाँ भी होती हैं, फौज ने भी गलतियाँ की, मेरी अपनी नज़र में फौज ने जो सियासत में मदाखलत करने वाली गलती की है और वो गलत थी, लेकिन उसमें एक फौज का इतना कसूर नहीं थे, इदारा जो है ना फौज का वो गरीब लोगों पे मुश्तमिल होता है, 6.5 लाख फौज है आपकी जी, वो गरीब गाँव के लोग आते हैं जो बेसहारा और जो हैव नॉट्स जिनको कहते हैं अनप्रिविलेज क्लासेस से गाँव के लोग होते हैं। कराची के देखें ना कितने सिपाही हैं, सिपाही नहीं जाते, ऑफिसर्स जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ सिपाही नहीं, ये जो सोल्जरी होती है, रियल सोल्जरिंग जो होती है उसमें नहीं जाते ये, क्योंकि अर्बन क्लासेस बहुत मज़े हैं, वो सहराओं में और समंदरों में और ऊपर
भटकना पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। तो फौज तो आपकी अपनी है, लेकिन वहाँ एक आदमी के जहन के अंदर एक बात समाती है। अयूब खान ने ये सब कुछ प्लान किया था, लेकिन वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने खुद उनको बनाया, डिफेंस मिनिस्टर बनाया, और उन्होंने फिर किया। उन्होंने जो गलती उनसे हुई, अयूब खान ने काम भी बहुत किए, इसमें शुबा नहीं, लेकिन एक रियासत जो होती है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक रियासत उसकी ज़मीन होती है, उसको स्टेट बिल्डिंग कहते हैं, और एक कौम होती है जो उस रियासत में रहती है, वो उसको नेशन बिल्डिंग कहते हैं। फौज के ये बस का रोग नहीं है कि वो नेशन बिल्डिंग करे, उसका स्टेट बिल्डिंग करती है अच्छी, लोग उससे मुतमइन भी होते हैं। इसीलिए लोग जब भी मुसीबत में होते हैं तो फौज को बुलाते हैं। अभी एक कराची के हालिया दिनों में क्या बुलानी थी, और फौज तो अगर आती तो इस मौके का फायदा भी उठा सकती थी, लेकिन फौज नहीं आई। जो ज़ियाउल्लाह के क्रैश के बाद फौज नहीं आई, मैं तो उस वक्त बराह रास्त था, हम सब ने कहा कि नहीं हमने ये करना, और इतनी टेम्पटेशन सियासतदान दे रहे थे कि अगर मैं उन सियासतदानों के नाम आपको बयान कर दूं कि जो आज जमहूरियत और फौज की बहुत खिलाफ बातें करते हैं, कि वो पांव पड़ने के लिए तैयार थे कि खुदा के वास्ते अभी हमें इस तरीके से अगर क्यों नहीं। मैं मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा ग्रेसेस इसके अंदर रखने की ज़रूरत है। तो चुनाचे ये बात जो है फौज की मर्जी से नहीं होता, इदारे की तो मर्जी से बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक आदमी के दिमाग में या तो फतूर आ जाए, और जब वो आ जाएगा तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मिजाज है वो इतना नियाजमंदाना होता है अपने कमांडर्स के बारे में कि जैसे आपके एंकर पर्सन का अपने जो पेटर्न होते हैं या अपने जो फाइनेंसर होते हैं उनके बारे में होता है, इसी तरीके उससे भी ज्यादा, क्योंकि तो आर्मी एक्ट के नीचे आते हैं आप लोग, तो आर्मी एक्ट के नीचे नहीं आते। आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ शरारत में करते हैं, आप तो कम से कम कानून ठीक है सर, बातों बातों में लगा गए जैसे सर। बात यह है कि जो इस वक्त हम एक मुफाहमत का नाम देख रहे हैं, और सियासत के नाम पर हम गवर्नेंस का एब्सोल्यूट फेलियर देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, करप्शन, भूख, हालात, हर चीज़ से परेशान, इसका खालिक कौन है? ये रोज की मुफाहमतें, तोड़ जोड़, कभी ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बयान, NRO अमेरिका है इसका खालिक, इसके यूके है जिन्होंने उन तारीख महलात में अबू धाबी के एक डील किया, और बेचारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो बागी हो गई, तो उनको रास्ते से हटाया गया। आपको याद होगा कि नेग्रो पॉन्टे साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था नेग्रो पॉन्टे से, वो यही कह रहे थे कि यू आर नॉट ऑनरिंग द डील बेसिकली। और डील क्या थी सर? डील ये थी कि परवेज मुशर्रफ साहब रहेंगे प्रेसिडेंट, आप उनके नीचे प्राइम मिनिस्टर होंगी। शी कुड नॉट, आई न्यू मोहतरमा कि वो किस किस्म की थी। परवेज मुशर्रफ जैसे एक आदमी में आउट ऑफ यूनिफॉर्म सीवीज में प्रेसिडेंट और वो उसके साथ वो चलता रहे, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरीज मुल्कों को आज़ाद कर देती हैं, क्योंकि कौम की आवाज़ जो है वो सुनना चाह रही। मतलब मैं आपको कहूँ, अगर किसी मुल्क की इंडिपेंडेंट हो जुडिशरी, मैं मुकदमा लेके गया था ड्रोन अटैक के खिलाफ, तो इन्हीं इफ्तखार चौधरी साहब ने 5 मार्च 2007 में उसको कहा था कि हम कैसे फौज को कह सकते हैं कि वो आप इनकी स्टॉप करें। मैंने कहा जी आर्टिकल 245 में लिखा हुआ है कि आपके शहरियों को अगर मारते हैं तो फौज की जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द स्पेसेस, एयर स्पेसेस, टेरिटरी, पीपल, लाइफ, प्रॉपर्टी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, दे आर फॉरेन इन्वेडर्स, आप उनको क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते? अब अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती तो कानून के हिसाब से फैसला, वो कहते कि जी हमें कुछ पता नहीं है, हमने कौन सी सियासत है, ये जो पटिशन है ये दुरुस्त है, बच्चे मारे गए, 82 बच्चे मारे गए, बिलाजवाज मारे गए, अमेरिकन ने मारे हैं, और हम कहते हैं कि स्टॉप देम, तो फिर तो आपकी पॉलिसी बदल जाती ना। लेकिन वो नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बड़ा एक की नुक्ता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मार्शल लॉ का रास्ता रोकेगी, क्योंकि लॉ ऑफ नेसेसिटी नहीं देगी, वो इंडोर्स नहीं करेगी उसको, जो हर बार होता है, ठीक, कोल्यूजन हो जाता है ना फिर उसका। ये तो मैं इसको जो आजकल सिस्टम चल रहा है ना, ये तो खैर जुडिशरी को इस्तिस्ना और फौज को करके, इट इज़ द कॉन्फेडरेशन ऑफ ठग्स, जिसको आप कहते हैं कि मफामियत, तो कोई मतलब उसके लिए करने के लिए तैयार ही नहीं खड़ा, ऑपोजिशन ही नहीं है, तो व्हाट इज द कॉन्फेडरेशन, ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी है? ये तो इसका खालिक NRO है, उसका खालिक वो। देखिए आप कितना हुआ, ये दो रेजोल्यूशन आए कि ड्रोन अटैक के खिलाफ पहले आया 22 अक्टूबर 2008,
उसके बाद 14 मई को एक रेजोल्यूशन आया, सारों ने 14 पॉइंट, कौम की आवाज़ थी, पार्लियामेंट ने कर दिया। अब जब ये एपीसी हुई तो मुझे ये पूछा गया एक सवाल, इसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं कहा नतीजा वही निकला है जो पहले निकलता रहेगा, क्योंकि जिस आदमी ने फैसला करना है उसका नाम यूसुफ रजा गिलानी नहीं है, उसका नाम है आसिफ जरदारी। और आसिफ अली जरदारी जो है इसके ऊपर एक लफ्ज भी नहीं बोले, क्या बोले हैं एक लफ्ज भी? क्योंकि वो तो उसकी जकड़ में है, एनआरओ की जकड़ में है। मैं कब से चिल्लाता रहा हूं ना नवाज शरीफ बोलता है ना कोई ऑपोजिशन का और लीडर, लाओ भाई वो एनआरओ की कौन सी छिक्के हैं जिसको ओबामा रेफर कर रहा है 22 जून की अपनी स्पीच के अंदर, डायरेक्टिंग इज गन टूवर्ड्स पाकिस्तान। क्या कह रहा है वो? पाकिस्तान विल हैव टू ऑनर देयर कमिटमेंट्स। व्हाट आर दोज कमिटमेंट्स? यू एंड आई डोंट नो, आई एम, वी आर वेल इन्फॉर्म्ड पीपल। वो कमिटमेंट सर, पंजाब असेंबली सेनेट इलेक्शन की जी, पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, सेनेट के इलेक्शन होंगे, उसके बाद ये तमाम की जी नवंबर में ये होगा, दिसंबर में ये होगा। हम आप सब पिछले 2 साल से पता है कि लाइन ऑफ प्रोग्रेशन क्या है। अभी परसों वो आ गया कि जी वो पंजाब असेंबली को तोड़ना ही एक वाहिद तरीका है, ये सब हम 4 महीने से बातें कर रहे हैं। तो अगर ये हमें सबको रूमर्स पता है जो हम थोड़ा सा इन नो हैं या आवाम को ही पता है, तो यानी कि सब लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि ये सब लिखा हुआ किसने है? ये सारी जो हमारी किस्मत में प्रोग्रेशन आ रही है, बिजली के रेट, पानी के इशू। मैं आप बिजली के मसले पे ही देख लें, जनरली देखे ना आप बिजली अब 3-4 दिन से 5 दिन से नहीं जा रही जी हाँ, तो गुज़श्ता सालों में क्यों जाती रही? वो लोग जो मर गए अस्पतालों में बिजली ना होने की वजह से, उसकी अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये कराची में जो कारखाने बंद हो गए, जो हमें लोन लेने पड़े, जो डबल हो गए हमारे लोन 3 साल में, गुज़श्ता 3.5 साल में, और कराची में रेंजर्स को बुलाने के डिले में जो इतना लोग मारा गया, इतना डिले मारा गया और ये वो किया गया। यानी ये अजीबो गरीब हुकूमत है कि अपने ही जो लोग इनको ताज पहनाते हैं और तख्त के ऊपर बिठाते हैं उनको ये कत्ल भी करते हैं, उनको महरूम भी करते हैं। अगर तो कोई हालात हों, मान लिया कि ये जो आफाकी आ रही हैं बातें, जो वो आसमानों से जो बलाएं नाजल होती हैं, तो हमारा उसमें हमारा कोई नहीं है, इख्तियार नहीं है। लेकिन जो ये बलाएं हमने खुद की, अगर ये बिजली मौजूद थी, क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 21,000 मेगावाट है और हमारी रिक्वायरमेंट 15-16 हज़ार है, तो 5,000 का हमारे पास मार्जिन है। लेकिन अगर ये नहीं हो रही थी और अब हो चुकी हैं, कोई गिरफ्तार पकड़ने के लिए तैयार नहीं। असल में कौम के अंदर मज़ामती रमक नहीं है और वही बेदार करनी अब नौजवान करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन स्क्रिप्ट का लिखक कौन है, लिखने वाला कौन है स्क्रिप्ट? अमेरिका लिख रहा है, जरदारी साहब लिख रहे हैं, ज्ञानी साहब? नहीं नहीं, तो सारे मिल के ही लिखते हैं। जरदारी साहब तो मेरा ख्याल है, ज्ञानी साहब का मुझे पता नहीं है कि वो किस हद तक किससे इन्वॉल्व है, लेकिन उन जो एनआरओ हो रहा था तो उस वक्त याद है कि ये निगोशिएट कर रहे थे, DGISI थे उस वक्त, ये निगोशिएट कर रहे थे, वहाँ पर ये मौजूद थे। तो इसका ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कोई गारंटी वगैरह दे रखी है उसके लिए? ओके सर, ये भी अफवाह है कि जी पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं और वो सूबे बनने हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं बलूचिस्तान, तमाम अफवाहें। कुछ भी नहीं होगा। एक तो ये कि इसका प्रोग्रेशन क्या है, जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं ना, जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, रूस ने भी बड़े स्क्रिप्ट लिखे थे। वो जब था ना, मैं उस दोनों DGI सब, मतलब मैं बहुत इन था, मैं तो कैरेक्टर था ना वहाँ पे इसके, आई एम द सोल लिविंग कैरेक्टर फ्रॉम दैट पीरियड, जो कि आज सारे सामने उसके नक्शा उसके सामने, उसे बड़े स्क्रिप्ट लिखे थे हमारे खैर बख्श मरी साहब और पता नहीं कौन कौन साहब, कोई मैंगल साहब उधर गए हुए थे, ये फलां उधर गए हुए थे, वहाँ काबुल में बैठे हुए थे खैर बख्श मरी साहब। जब मैं वहाँ गया, पैगाम भिजवाया कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। बात यह है कि लूजर्स कैन नॉट बी चूजर्स, यू कैन राइट एज मैनी स्क्रिप्ट एज यू वॉन्ट, लेकिन जिस वक्त शिकस्त हो जाती है ना मैदान जंग के अंदर, जब मुकाबला, इनसे गलती ये हो गई है कि ये जंग के मैदान में उतर गए, वरना हमारा बेड़ा गर्क करती है, पांचा कर देते। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। अब इकोनॉमिकली अगर हम मकरूज हैं तो हमसे बड़े ज्यादा वो मकरूज हैं। हमारे ऊपर अगर उस्ताद पड़ रही है तो इनके ऊपर उससे ज्यादा उस्ताद पड़ी। हम तो कुछ भी नहीं है भाई, हम तो रांदाए दरगाह हैं, मारे हुए हैं, पिटे हुए हैं, बीइंग किक्ड अराउंड। लेकिन अमेरिका और यूरोप के साथ क्या हो रहा है? इस जंग ने बेड़ा गर्क कर दिया ना, और इकोनॉमिक ही तो इनका बेस है, और तो है ही कुछ नहीं, वरना इसकी ताकत का इन्हिसार किसके ऊपर है? इकोनॉमिक के ऊपर, वहां मार खा रहे हैं और वहां उस फ्रंट के ऊपर दे आर लूजिंग सो बैडली, दे आर लूजिंग के एक दिन तो इतला आ गई थी कि गवर्नमेंट इज इन डायर डेंजर ऑफ बीइंग शट डाउन, अमेरिकन गवर्नमेंट मीन शट डाउन मीन की तनख्वाह नहीं दे सके।
आपने फरमाया कि यूथ को अवेकन करने का आज से दो ढाई महीने पहले की बात है, मुझे याद नहीं कौन सा वाकया था जिस पे आपने, शायद पीएनएस मेहरान के बाद वाला था, मैंने आपके टेलीफोन पे इंटरव्यू लिया था और आपने कहा था कि मैं कल भी बच्चों के साथ जाके बैठ रहा हूँ बाहर। नहीं नहीं, वो रेमंड डेविस, रेमंड डेविस वाले के साथ कहा था मैं बाहर जाके बैठ रहा हूँ असेंबली पर, और बड़े लोगों ने कहा कि अगर हमीद गुल साहब गए तो हम भी साथ पहुँच जाएंगे। लेकिन सर आज आपने फरमाया, अभी अभी आपने कहा कि यूथ हमारी जो है, मैं गया था वहाँ पे, आपको याद है? हाँ मुझे याद है, हाँ बीवी बच्चे सारे गए, लेकिन वो सस्टेन ना हुआ। नहीं, वो थोड़े से लोग ही निकले, थोड़े बहुत। हाँ मैं उधर ही आ रहा हूँ कि हमारी ये जो नौजवान नस्ल है जो इसको देख रही है अभी, वो ये कहती है कि जी हमें एक रैलिंग पॉइंट चाहिए जिसके गिर्द हम हाइप हो सके, उठ खड़े हो सके। ये जो एतमाद, खुद एतमादी का ना होना, बे यकीनी का होना कि सुना है तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से है बदतर बे यकीनी। ये तहजीब हाजिर के गिरफ्तार हैं, गुलामी से है बदतर बे यकीनी। अपने आप पे यकीन यकीन पैदा कर रहा है मोमिन के, मगर गुमान तू है, इनमें गुमान है कि कोई आएगा, कोई मोहम्मद अली जिन्ना, कोई खमेनी, कोई माओ ज़ेदुंग उठ के आएगा, कोई इमरान खान, कोई इमरान खान, इमरान खान खैर वो अपना करता रहे, मैं वो पॉलिटिशियन है, ही इज़ प्लेइंग विद इन द सिस्टम। यही मैं इमरान खान से कहा करता था, ये सिस्टम को जाना है, यू ऑन द रॉन्ग रोड। ये सिस्टम में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, 50 सीटें ले जाएगा, क्या कर लेगा, क्या तोड़ लेगा इसका, इसका जिस निज़ाम का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं, नामुमकिन है। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट कैलकुलेट भाई इस निज़ाम के। हाँ, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने जुडिशरी को आज़ाद कराया पब्लिक सपोर्ट से, वो कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन पब्लिक सपोर्ट आई, एक ग्रुप ने उसको उठा के किया। अभी आपने बिजली को रिस्टोर करवा दिया, पब्लिक एजिटेशन से करवा दिया। पब्लिक की पावर जो है बड़ी ताकतवर है, अल्लाह की ताकत, इस्टेब्लिशमेंट की ताकत, और इस्टेब्लिशमेंट हमेशा जो है वो स्टेटस को के ऊपर होती है, उसको तोड़ने के लिए आपको पीपल्स पावर लाना पड़ता है, अल्लाह की ताकत आ जाती है। सर ये पीपल्स पावर कैसे आएगी अगर ये नाउमीदी है, अगर बेतमादी है तो? नहीं नहीं, ये भले भले की देखे, एक जो 0 डिग्री आइस को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी में लाने के लिए आपको 80 डिग्री लेटेंट हीट, और ये इनकी मेहरबानी है हमारे हुक्मरानों की कि हमें बहुत हरारत फराहम कर रहे हैं, और मैं तो हमेशा डरता हूं कि कहीं से इनसे अच्छा ही ना हो जाए कुछ। इस तबाही में फायदा है, अभी बहुत तबाही में फायदा है, खूब पका रहे हैं, खूब पका रहे हैं खुद ही, तो अजानो के एक ढकना खुल जाएगा, प्रेशर कुकर पक रहा है, पक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पक रहा है, पक रहा है। कोई बात नौजवान नस्ल को, बस यही है कि उनको रहनुमाई की जरूरत है। देखें, हमने अरब स्प्रिंग देखा और इट इज़ गेटिंग नो वेयर, क्योंकि उनके पास रहनुमाई नहीं है। तो मेरी ये कोशिश है, मैं हमेशा इस पर आर्टिकल भी लिखता रहा कि नौजवानों की बेदारी, 66% यूथ पाकिस्तान का, जो इतना ज़्यादा 30% से कम कौम जो है वो 66% 30 ईयर से कम, तो इतनी बड़ी ताकत है, और अरब स्प्रिंग में उन्होंने दिखाया, लेकिन कहाँ, वहाँ पर फिर वही मगरब ने वो जमहूरियत की गाजर डाल के उनको फिर ख्वाब की तरफ ले गए, वो काम नहीं बन रहा। आपको रहनुमाई की ज़रूरत है, और मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं लोगों के दिलों पे दस्तक दे रहा हूँ, उनके दरवाज़ों पे दस्तक दे रहा हूँ, और उनको कह रहा हूँ आओ। वो लोग जो इक्तदार के ख्वाहां नहीं हैं, एक गुलदस्ता लीडरशिप फराहम करेंगे, क्योंकि सिंगल लीडर कोई इमर्ज करता हुआ हमें होराइजन पे, कोई उफक पे नजर नहीं आ रहा। और जो जिन जिन मुल्क ने तरक्की की है वहाँ सिंगल लीडर नहीं होता, वहाँ सिस्टम होता है। सिस्टम वो तो सिस्टम तो बाद में आएगा, लीडरशिप का सेट होता है ना, हमने सेट ऑफ लीडरशिप, एक आदमी नहीं होगा, हम नहीं रहनुमाई के लिए, मैं उसको लीडर, लीडर जवान होना चाहिए, मैं आप बिल्कुल आई एम कन्विंस्ड कि नौजवानों में से लीडरशिप खुद आप पैदा करें, लेकिन एक अम्ब्रेला रहनुमाई गाइडेंस, अम्ब्रेला गाइडेंस के लिए वो हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो अब इस वक्त इस मकाम के ऊपर हैं कि वो सिर्फ रहनुमाई का ही फरीजा अंजाम दे सकते हैं, लेकिन पूरे इखलास के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, और पूरे विजन के साथ कि आगे कैसे जाना है हमने, क्योंकि पाकिस्तान इज़ द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड। ऑफन पीपल आस्क मी, कहते हैं कि पाकिस्तान की डेस्टिनी क्या है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान इज़ द डेस्टिनी ऑफ द मैनकाइंड इटसेल्फ। तो वो लोग जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो उसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं? हाँ, वो उसकी वजह से, वो तो उन्होंने छोड़े हैं ना, वो तो उन्होंने एक प्लान के मुताबिक किया। देखे ना, जो इतना बड़ा सिस्टम दुनिया का डूबने को है, इतना बड़ा ताबिंदा सूरज जो है गरूब होने को है मगरब का, क्या वो अपनी स्ट्रगल नहीं करेगा? क्या वो तरीके, इंसीडियस मेथड जिनको कहते हैं, कि वो इस्तेमाल नहीं करेगा? वो ये कर रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो एक मेन फैसला होने को है वो तो हो जाएगा, उसको तो वो रोक नहीं सकते, वो तो फैसला हो गया। और पाकिस्तान के जो यूथ में एक परेशानी आ गई कि पाकिस्तान कब के मुस्तकबिल नहीं बचा, वो खुदाया पाकिस्तानी का तो मुस्तकबिल है,
कुछ भी नहीं बिगड़ेगा पाकिस्तान, टेरिटोरियल पाकिस्तान इज इन नो डेंजर, बिल्कुल नहीं, ना बलोचिस्तान जाएगा, मैं इसके लिए बहुत लंबी बात बहस हो जाएगी, ना कोई और जाएगा, पाकिस्तान का टेरिटोरियल जो एंटिटी है उसको कोई डेंजर नहीं, पाकिस्तानी कौम को खतरा है कि अगर हमने सही वक्त पे सही फैसले करके रुख का तयन ना किया तो हम खुदा ना खास्ता खाना जंगी में शिकार हो जाएंगे। और मैं तो वैसे भी नर्म इनकलाब का दाई हूँ, मैं अपने लोगों का खून बहते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए आई हैव रिटन सो मेनी आर्टिकल कि नर्म इनकलाब क्या है कि अपने आइन की कॉन्ट्रडिक्शन रिमूव करके वो निज़ाम ले आए जो कायदे आज़म चाहते थे। इनको बताया कि क्या कायदे आज़म ने नहीं ये कहा, क्या कायदे आज़म ने एक दफ़ा भी सेकुलरम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, थियोक्रेसी के खिलाफ उन्होंने कहा, लेकिन इस्लाम तो कभी भी थियोक्रेसी नहीं था। थियोक्रेसी का और सेकुलरिज्म का जो बहस है इट पर्टेन्स टू द वेस्ट, जहाँ पे वो रेनेसों की वजह से फिर उनको चेंज लानी पड़ी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी हमारे नहीं, और जो कर रहे हैं वो हम में से भी नहीं है। ये भी ऐसा। थैंक यू सो मच आपने वक्त निकाला, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिएगा।